निकाल आप लोग क्वेश्चन कर अभी देखिए कि आज पांच क्वेश्चन जैसे अल्लाह का जन्मदिन है, ये दिन जिंदगी के अंदर हमारी जिंदगी जन्मदिन है तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, यहाँ तक के चरिंदे परिंदे हरवाना सब सब पूरी दुनिया की सारी मखलूक के लिए एक ये अद्भुत दिन है कि मेरे रसूलुल्लाह का आज जन्मदिन है। और इस दिन के लिए आज हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, इसी लिए आज वही हर जगह जगह पर सुबह आज 10 बजे से निकला हूँ, अभी मुंबई की तरफ भिंडी बाजार की तरफ जाना है, वहाँ पे भी कई दोस्त यार चाहने वालों ने बुलाया है, मैं और मेरे बड़े भाई आसिफ कुरैशी जी हम लोग दोनों जा रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं और ये हमारे जितने भी साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनका हौसला अफजाई करना है, उनका हौसला बढ़ाना है कि दिन भर मेहनत करके दो दिन तीन दिन से तैयारियां करते और तैयारी करने के बाद बच्चों को चॉकलेट बिस्किट ठंडे पानी हर चीज़ पानी का इंतजाम ये करते, यही एक तरबियत हमारे नबी ने हमको दी, यही सरकार गरीब नवाज ने तरबियत दी और इसी का नतीजा आप देखिए कितने सुकून के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तमाम हिंदुस्तान के मेरे हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि देखिए ये है इस्लाम, ये मोहब्बत का पैगाम पहुँचा रहे हैं कि दो रोज पहले हमारे नबी का जन्मदिन था लेकिन गणेश जी का जो चल रहा था और विसर्जन परसों के दिन था, इस वजह से हमने दो दिन आगे ईद सेलिब्रेट किए और 18 तारीख को हमने ईद बनाने के लिए हमने प्लानिंग की और सारे मुसलमानों ने लब्बैक कहा और दो दिन बाद किए ताकि देश में मोहब्बत है, मोहब्बत का पैगाम पहुंचे और दोनों धर्म के लोग अपना अपना त्यौहार अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। ये एक मिसाल है, ये अपने आप में देश के लिए मिसाल है कि अपने आप में उन लोगों को भी समझना चाहिए जो लोग देश के अंदर तनाखुशी की बातें करते हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते, ये उन लोगों के लिए जवाब है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने गणेश जी की जो उत्साह था और गणेश जी का जो विसर्जन था उसको पहले प्रायोरिटी दी और दो दिन के बाद हमने हमारा ईद सेलिब्रेट किया, ये अपने आप में खास बात है। यही मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने के लिए आज देश भर के अंदर जो लोग रस्ते पर उतर के फ्रूट बांट रहे चॉकलेट बांट रहे, आप देखिए कई हमारे हिंदू भाई हिंदू बहन जो स्कूल से जा रहे कोई काम पे से छूट के जा रहा है वो भी ठंडा पी रहा है बिस्किट्स ले रहा है समोसे खा रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूँ, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ये बंधन है और ये बंधन दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग आपस में इस देश में मोहब्बत बन के जिएंगे, यही पैगाम पहुंचा था और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के लोगों के लिए आज हाजी आराम मस्जिद सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता। आज तो सिर्फ हम लोग एक ही जन्मदिन मना रहे हैं और जोरदार तरीके से मना रहे हैं, बाकी तो सारी चीज चलते रहेंगी। मुझे आज खास तौर पर सभी भाइयों ने बुलाया, मैं इनके लिए सोहेल भाई वगैरह सभी आप लोग किसी तरीके से करते रहो, हाजी आराम मस्जिद का साथ हमेशा रहेगा। मेरे भाई कल आने के बाद मोहसिन सोहेल हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैंने बोला बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम में मैं जरूर शामिल होगा और इनकी ताकत बढ़ाने के लिए जो भी इनको इस हाजी आराम मस्जिद की जरूरत पड़ेगी मैं पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़ा रहूंगा। इंशाल्लाह सोहेल भाई कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाजी भाई का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त दिया और भी जाना था इनको, मैंने बड़े दिल से बोला हाजी भाई आप आइए मेरे घर, हाजी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। रेडी सर, आज का दिन काफी खुशियों वाला दिन है और आपके लिए भी, आप पार्टी के लिए, जनता के लिए भी, क्या मजे देना चाहते हैं आप? देखिए आज मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म तारीख जन्मदिन है, इस मौके के ऊपर तमाम उम्मत को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, तमाम उम्मत को आज के दिन में मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, इस मुंबई में जोगेश्वरी में रहने वाले तमाम मुसलमानों को और तमाम लोग, क्योंकि मेरे हुजूर खाली एक कौम के रसूल नहीं है, वो पूरी उम्मत के रसूल है, तमाम लोगों के रसूल है, तो इस मौके के ऊपर तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जहाँ तक आपने बात की कि दो खुशियाँ हैं, बिल्कुल दो खुशियाँ हैं, इस महीने के अंदर ही मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक तो मुंबई के सदर बनाए और उसी के साथ साथ मुझे इस मुंबई शहर से आने वाले लोकसभा के प्रत्याशी भी बनाए हैं, तो मैं उनका भी आज के दिन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भाई इतनी सारी प्यार मिला जनता का, लास्ट टाइम भी आपको मिला, काफी सारे बहनों को लगती भी प्यार में, आज देख रहे ईद मिला दिन है, आज के दिन भी आपको बहुत सारे प्यार मिले,
किस तरह आप देख रहे इतनी सारे प्यार मिले आपको? देखिए, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये डाइवर्सिटी के अंदर ही इसका विश्वास है। तमाम अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, खुशी से रहते हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन पे आपने देखा होगा कि मेरी 7,000 बहनों ने इस मैदान में आके मुझे राखी बांधी थी। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है और जिम्मेदारी की भी बात है कि उन सारी बहनों का मैं विश्वास, जो भी वो मुझ पे कर रहे हैं, उनका विश्वास पूरा कर सकूं मैं। और आप देख ही रहे हैं कि कितना जोश है आज हमारे भाइयों के अंदर, तो बेशक आज बहुत खुशी का मौका है। सर, आप क्या बोलना चाहते हैं सर, आज के दिन, मतलब दो दिन बाद किया गया है, पहली बार ऐसे इंडिया हिंदुस्तान में हुआ? ये अच्छी बात है, ये अमन शांति बरकरार रखने के लिए ऐसा किया गया है कि दोनों क्लैश नहीं हो। सर, एक मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, जिस त्योहार परसों था लेकिन दो दिन बाद किया गया है, ये कितना बड़ा पैगाम दे रहे हम लोग मिलकर के? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इस भारतवर्ष में हिंदुस्तान के अंदर हमारे दिन काफी खुशियों वाला दिन है, और आपके लिए भी, आप पार्टी के लिए, जनता के लिए भी क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, आज मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन है। इस मौके के ऊपर तमाम उम्मत को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इस मुंबई में, जोगेश्वरी में रहने वाले तमाम मुसलमानों को और तमाम लोग, क्योंकि मेरे हुजूर खाली एक कौम के रसूल नहीं है, वो पूरी उम्मत के रसूल है, तमाम लोगों के वो रसूल है। तो इस मौके के ऊपर तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जहाँ तक आपने बात की कि दो खुशियाँ हैं, बिल्कुल दो खुशियाँ हैं। इस महीने के अंदर ही मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक तो मुंबई के सदर बनाए, और उसी के साथ साथ मुझे इस मुंबई शहर से आने वाले लोकसभा के प्रत्याशी भी बनाए हैं, तो मैं उनका भी आज के दिन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भाई, इतने सारे प्यार मिला जनता का, लास्ट टाइम भी आपको मिला, काफी सारे बहनों का भी प्यार मिला। आज देख रहे ईद मिला दिन है, आज के दिन भी आपको बहुत सारे प्यार मिले, किस तरह आप देख रहे इतने सारे प्यार मिले आपको? देखिए, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये डाइवर्सिटी के अंदर ही इसका विश्वास है। तमाम अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, खुशी से रहते हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन पे आपने देखा होगा कि मेरी 7,000 बहनों ने इस मैदान में आके मुझे राखी बांधी थी। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है और जिम्मेदारी की भी बात है कि उन सारी बहनों का मैं विश्वास, जो भी वो मुझ पर कर रहे हैं, उनका विश्वास पूरा कर सकूँ मैं। और आप देख ही रहे हैं कि कितना जोश है आज हमारे भाइयों के अंदर, तो बेशक आज बहुत खुशी का मौका है। सर, आप क्या बोलना चाहते हैं सर, आज के दिन, मतलब दो दिन बाद किया गया है, पहली बार ऐसे इंडिया हिंदुस्तान में हुआ? ये अच्छी बात है, ये अमन शांति बरकरार रखने के लिए ऐसा किया गया है कि दोनों क्लैश नहीं हो। सर, एक मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, जिस त्योहार परसों था लेकिन दो दिन बाद किया गया है, एक कितना बड़ा पैगाम दे रहे हम लोग मिल करके? देखिये, मैंने आपसे कहा ना, इस भारतवर्ष में हिंदुस्तान के अंदर हम लोग साथ में भाईचारा के तौर पे एक दूसरे को लेके चलते हैं। 16 तारीख को ईद मिलादुल नबी था और 17 तारीख को गणेश चतुर्थी का विसर्जन था, लेकिन हम सभी लोगों ने मिलजुल कर मुंबई कमिश्नर और मुंबई बीएमसी कमिश्नर से बातचीत करने के बाद हमने ये डिसीजन पे आए कि पहले 17 तारीख को विसर्जन होने दें और 18 तारीख को हम ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकालेंगे। तो यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबी और खासियत है। बहुत अच्छी बात है, परसों कल गणपति विसर्जन हुआ था हमारा, और आज हमने उनका पहल करके, उन्होंने पहल करी थी तो उनको पहले मौका दिया, और दूसरा हमने अपने त्योहार को मनाया है। तो एक भाईचारे वाली बात है, आपस में एक दूसरे को समझ के चलना। सर, आपने मुंबई के जो पब्लिक जानता है, इतनी मेरा पूरा वर्ल्ड को एक मैसेज दिया, इस उत्साह के लिए क्या बोलना चाहते हैं? उत्साह के लिए सर, जैसे कि उत्साह था तो साथ में हमारे हिंदू भाई है, जो उनका भी त्यौहार था गणपति विसर्जन, और ये भी त्यौहार था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पैगाम है कि भाईचारे को लेकर, एक ही दिन होता था, हमने वो करके नेक्स्ट डे उसे किया एक भाईचारे के हिसाब से, और ये भाईचारा हमेशा ऐसा ही रहे और ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा इंशाल्लाह। सर, आप जानते हैं काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, आम देने से कोई जाति नहीं जाति, सबको दे रहे हो आप लोग, जो आ रहे हैं अपने हाथों से देख रहे हैं आप लोगों को, दे क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे दुनिया की जनता? मैसेज यही है कि भाई कोई हर हर आँख से सबको एक जैसा देखे, और सब भाई भाई लोग हैं,
अगर उनका त्यौहार है तो उनका त्यौहार को आगे पीछे करके 18 तारीख को हम लोग ने रखे हैं और सब इसमें आके जुड़े और सब मिलजुल के काम करें। बाकी देश के साथ में तो चलना ही है, बस एक साथ में चले, यही चले। सोहेल भाई आपके क्या कहना, देख रहे हैं आपके मेहनत आप लोगों को टीम का स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करूँगा, आप लोग आए इतना वक्त निकाल के इतनी भीड़ में आप लोग आए हमारे लिए, तो उसके आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जैसे जो हमारे यूसुफ भाई है, विनोद जी है, फिरोज भाई है, ईबू भाई है, संतोष भाई है, तो ये काफ़ी कल से मेहनत कर रहे हैं इन लोग कि इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। आज का जो सम्मेलन था तो इसको हम कैसे मिलके बढ़ाए, तो इसमें हम ही एक कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के हम ही लोग नहीं है, इसमें सारे लोग हैं, हमारे संतोष भाई है, विनोद भाई है, सब लोग ने मिलके इसको एक रात होके हम लोग ने पूरा इस कार को आगे बढ़ाया उत्सव के साथ में, सबके दिल में उत्सव था। जैसे अभी गणेश चतुर्थी का दिन ही हमारा अपना ईद मिलादुन नबी थी, तो उसमें तय ये हुआ कि 16 को होगा, 17 को हमारा 16 को रहता है, तो उसमें बात ये हुई कि 17 को होगा, तो 17 ना होते हुए हमारा 18 को हुआ, हमने किया। आज हम लोग सब एक मंच में साथ में हैं, उनके त्यौहार में भी हम गए, विसर्जन में भी हमने उनके साथ थे, आज वो हमारे इधर पे, तो इसमें क्या हमको एक मौका मिल गया एक दूसरे के मंच पे जाने का। अगर एक साथ होता तो उसमें दिक्कत हो जाती थी, हम एक दूसरे के उसमें नहीं जा पाते, वो हमें कॉल करते अरे आप किधर रह रहे, मेरे घर पे त्यौहार है, उनको हम बोलते, तो इसमें क्या हम दोनों, ये बहुत अच्छा हो गया, एक निर्णय बहुत अच्छा हो गया कि जो डेट आगे बढ़ाए, तो इसमें क्या हम सब आपस में एक दूसरे का साथ देके इस मंच को और इस त्योहार को मना रहे। मोहम्मद साहब ने एक अच्छा मैसेज दिया था, वही मैसेज आजकल आप लोग लग रहे आपको द्वारा दुनिया का फैला रहे हो आप, अब एक मैसेज को आगे बढ़ा रहे हो आप, एक मैसेज को आगे हम बढ़ा रहे, जो मोहम्मद पैगम्बर थे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पैगम्बर, तो उनकी हम जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने शिक्षा दी, तालीम दी, जैसे आगे बढ़ना है उस तरीके से हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है सर, मैं देख रहा हूँ चेहरे पे बहुत सारे खुशियाँ लग रहे हैं, काफी सारी खुशियाँ आप बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मुस्लिम भाइयों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ ईद मिलाद के तौर पर, और उनको धन्यवाद भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने गणपति के त्यौहार को पहले आगे लिया, फिर बाद में उन्होंने खुद का जो ये था फेस्टिवल था उन्होंने सेक्रीफाइस करके पीछे ले लिया है, और उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। और एक अच्छा मैसेज जा रहा है सभी कम्युनिटी के यहाँ पे आते हैं जो लेते हैं, जो सोहेल भाई की, सोहेल भाई ने जो सब ये अरेंजमेंट किया, उसके दोस्तों लोगों ने अरेंजमेंट किया, और ये सबसे हमारे टीम में किया है, हमारे दोस्तों जी, संतोष जी, सब लोगों ने अरेंजमेंट किया, सब लोग ने मिलके, फिरोज जी, आज से मेरी दोस्त बने, सब लोग ने मिलके किया है, टीम ने किया जी, हमारे सोहेल भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ये हमारा परिवार है, ये सोहेल भाई को मैं धन्यवाद चाहता हूँ, मुस्लिम हिंदू भाई हमारे सब एक परिवार ही है, सोहेल भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कल से तुम आना ही आज को बोले भाई कैसे भी करके मैं आ जाऊंगा, आ गया मैं, सोहेल भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं। सर आपको देख रहा हूँ, आपके बच्चे देख रहे, दिल जान से लगे पर अल्लाह ने हमको ये मौका आज के दिन बहुत बड़ा मौका दिया है खिदमत करने का, और हम लोग सब साथ में मिल के वो ऐसा काम करने जा रहे हैं कि कोई भी धर्म हो, कोई भी पक्ष हो, आके हम लोग वेलकम कर रहे हैं उनका, उनको जो भी हमारे तरफ से हम लोग जो भी दे सकते थे, हेल्प कर सकते, जैसे पानी है, बिस्किट है, और ऐसे जूसेस है, ये हम लोग करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको कामयाब भी किया, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करते रहे। आप लोग कुछ बोलेंगे? भाई आपको बहुत प्यार दे रहे हैं काफी सारे, आप मतलब आपके बिना लगता सोच लो भाई, संतोष भाई दस मिनट सुन चुके, क्या खास है आज के दिन? सोहेल भाई का कुछ बात ही अलग है, अभी वर्षा तालुका में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, और रिपब्लिक पार्टी का नाम जो वर्षा तालुका में किया है वो सोहेल भाई ने किया है, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे, ऐसी सेवा देते रहेंगे, बस यही बोलना चाहते हैं। हिंदुस्तानी जनता क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी टीम की तरफ से? रिपब्लिक पार्टी की तरफ से हम लोग बहुत हिंदू जो अभी हम लोग दलित मुस्लिम एकता परिषद जो है उसको हम बस आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा रहे, सब मिल के आगे बढ़ा रहे, हर त्यौहार साथ में मिल के बना रहे हैं, हर चीजों से हम साथ हैं, हम यही मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।